तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारा सा स्वीट डिजर्ट, जिसे आप देख करके बनाए बिना नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये स्वीट डिजर्ट मात्र और मात्र 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक ऐसा ही स्वीट डिजर्ट आपके लिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मालाज कुकिंग तड़का में। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर एक पतीला चढ़ाएंगे और उस पर मैंने एक ग्लास पानी डाल दिया है। अब हम इसमें एक कप या एक कटोरी चीनी डाल देंगे और चीनी को इस तरीके से हम अच्छे से एक स्पैचुला की हेल्प से घुला देंगे और इसकी हमें चाशनी बना लेनी है। तो चाशनी दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें इसकी चिपचिपी नहीं बनानी है या बहुत ज़्यादा तार वाली हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है। बस चीनी घुल जाए, हल्का सा इसमें चिपचिपापन आ जाए, बस उस तरह की हमें इसकी चाशनी बना लेना है। तो ये देखिए, चाशनी हमारी तैयार है और हाथों में लेकर के देखेंगे इस तरीके से तो ऐसा लगता है कि कुछ घी जैसा इसमें हाथों में लग गया है। बस इसी तरह की चाशनी हमें बना लेना है। तो इसे हम बंद कर देते हैं और साइड में रख देते हैं। और इसके बाद ये मेरे पास हैं कुछ ब्रेड स्लाइसेस, तो करीब 12 से 13 ब्रेड स्लाइसेस मैंने ले ली हैं। तो देखिए, इसका जो ब्राउन पार्ट है ये मैं नहीं निकाल रही हूँ इस मिठाई में, अगर आप चाहें तो आप इसे कट करके निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, सारे ब्रेड स्लाइसेस को इस तरीके से तोड़ करके एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे। तो अभी इस वक्त मैं आधे ब्रेड स्लाइसेस को इस पर डालूंगी, क्योंकि एक साथ सारे ब्रेड स्लाइसेस इसमें नहीं आएंगे और इन्हें हम अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कर लिया है और दूसरे बैच का भी हम ग्राइंड करके इस तरीके से मिला लेते हैं इसमें। तो ये देखिए, ये जो ब्रेड का पाउडर है इस तरीके का हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक बाउल में दूध लेंगे। तो ये देखिए, आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा दूध मैंने ले लिया है और अब इसे हम इस ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और डाल करके इसका हम एक नरम मुलायम आटा गूंथ लेंगे। तो दूध थोड़ा थोड़ा डालें, बहुत ज़्यादा दूध एक साथ ना डालें, क्योंकि गीला नहीं करना है हमें, इसका नरम आटा हमें गूंथ लेना है। तो देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हम दूध डालते जाएंगे और इसे हम गूंथते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके का आटा हमने इसमें लगा लिया है। अभी हमें क्या करना है, इसे पाम जो हमारी ये हथेलियाँ हैं इसे अच्छे से इस तरीके से हमें मसल लेना है। जब इस तरीके से हम मसल के आटा तैयार करते हैं तो हमारा जो स्वीट डिजर्ट है बहुत ही बढ़िया बनता है। देखिए, इस तरीके से हमने इसे लगा लिया है और इसे लगाने में इतना दूध हमारा बच गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से हम फिर से थोड़ी देर और मसलेंगे। एक टेबल स्पून इसमें घी या ऑयल इस तरीके से लगा देंगे। लगाने के बाद में इसे घी के साथ में अच्छे से मसल लेंगे। तो ये लीजिए, आटा हमारा तैयार है। अब हम इस आटे की देखिए छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे, बिल्कुल नींबू के साइज की छोटी छोटी गोलियां लेंगे और इन्हें इस तरीके से हम हाथों में रख के राउंड शेप में गोल करेंगे। और इस तरीके से ये देखिए, गोल करने के बाद में हल्का सा इसे हम प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपसे बन जाए या फिर आप हथेलियों में बीच में इस तरीके से रख करके इस तरीके से आप इसे चपटा कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं, इस तरीके का मैंने चपटा शेप बना लिया है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो कोई और शेप भी बना सकते हैं, जैसे कि आप इसे बिल्कुल गोल शेप में बना सकते हैं या स्क्वायर शेप भी आप इसका दे सकते हैं। टोटली आपके ऊपर है, जैसी आपकी चॉइस हो वैसा शेप आप बना लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे फिर से चपटा कर देंगे और सारे जो हमने मिठाई बनानी है इसी तरीके से हम पहले बना करके रख लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे मिठाइयों को इस तरीके से गोल करके चपटा करके बना लिया है। अब ये जो चाशनी है इसमें हम डाल देंगे थोड़े से इलायची के दाने ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। और इसमें मैं डाल रही हूँ एक पिंच फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर ये मैंने डाला है, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अभी इसे फिर से मैंने थोड़ा सा गर्म कर दिया है क्योंकि चाशनी ठंडी हो गई थी। अब इसे हम साइड में रखते हैं और गैस में हम पैन चढ़ा लेंगे। इसमें हम ऑयल डालेंगे क्योंकि अब हमने ये जो पेड़े बना के रखे हैं इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो एक एक पेड़ा इस पर डालते जाएंगे और जितने आप आराम से फ्राई कर सके उतने पेड़े इसमें डाल दीजिए और इन्हें फ्राई कर लीजिए। तो देखिए, मीडियम और लो के बीच में इन्हें हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम शुरुआत में ना रखें, मीडियम फ्लेम रखें, इसके बाद थोड़ी देर बाद लो और मीडियम करके आप इसे फ्राई कर लीजिए। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आ गया है दोस्तों। इस तरीके से इन्हें हम एक दो मिनट और फ्राई करेंगे, थोड़ा सा डार्क कलर इसमें हम लाएंगे। अगर आपको लाइट पसंद है तो आप इसी स्टेज में इन्हें उतार लीजिए।
कि देखिए इस तरीके से अलट पलट के बढ़िया सा कलर आने तक इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो हमारी ये जो मिठाई है इस तरीके से अच्छे से कलर आ चुका है इनमें, बहुत ही बढ़िया ये हमारी मिठाई बन करके तैयार होती है दोस्तों। एक बार आप इसे बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा। मात्र 10 मिनट में ये मिठाई बन जाती है, बहुत समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं ना, तो आप ये फटाफट से मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस मिठाई को बनाने में कोई भी ऐसा सामान नहीं लग रहा है जो आपके घर में उपलब्ध ना हो। मात्र ब्रेड और थोड़े सी चीनी से ये मिठाई बन जाती है। कोई तामझाम नहीं करना पड़ता है, बहुत ही ईजिली ये मिठाई बन करके तैयार हो जाती है और खाने में तो इतनी स्वादिष्ट है कोई ये नहीं बता पाएगा कि आपने इस मिठाई को ब्रेड से बनाया है। तो देखिए, फ्राई करने के बाद में हमने गरम गरम ही इसे सीरे में डाल दिया है। जब हम गरम गरम सीरे में इसे डालेंगे तो ये बढ़िया से अंदर तक जूसी हो जाएगी। तो ये देखिए, दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं और बढ़िया से इसे नीचे से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसे भी निकाल करके हम सीरे में डाल देते हैं। तो सीरे में सारी ही हमने जो पेड़े तल करके रखे थे इन्हें हमने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इन्हें हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे ढक्कन लगा करके, ताकि जो मिठाई में सीरा है अंदर तक बढ़िया से चला जाए। तो अभी अगर हम इसे खाएंगे तो इसमें अंदर तक सीरा नहीं गया है। तो 1 घंटे बाद ये मैंने देखा, तो देखिए आप कैसे ये मिठाई हमारी फूल गई है। सीरा कुछ कम हो गया है पहले से, क्योंकि मिठाई हमारी फूल गई है। और ये देखिए, जूसी तो इतनी ज़्यादा है कि गजब की, अंदर तक पूरा जूस इसमें सीरे का चला गया है। बहुत ही बढ़िया स्वीट डेजर्ट हमारा बन करके तैयार हुआ है। ये देखिए, इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं दोस्तों। वाओ, बहुत ही लाजवाब हमारी ये मिठाई बन करके तैयार हुई है, बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये मिठाई बन करके तैयार हो जाती है। अब इस मिठाई की तारीफ तो मैं क्या ही करूँ, गजब की मिठाई बनी है दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट। ऊपर से देखिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें हम लगा देंगे इसकी गार्निशिंग के लिए, ताकि ये और भी डिलीशियस हमारी मिठाई लगने लगे। तो ये लीजिए दोस्तों, सभी को हम अच्छे से गार्निशिंग कर देंगे। और ये लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा बहुत ही प्यारा सा स्वीट डिजर्ट, खाने में लाजवाब और बनाने में बहुत ही आसान। तो आप मुझे बताइए, आप इस स्वीट डेजर्ट को कब बना रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही लाजवाब मिठाई है दोस्तों, ज़रूर ट्राई करिएगा। साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही एक बेल नोटिफिकेशन आपको दिखता होगा तो उसे भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी सभी वीडियोज आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।